पत्रकार हूँ, विजिट कर लीजिए। जहाँ जहाँ मेरी बात सुनो, जहाँ जनता की बात होगी वो बात होगी। ये कह रहे मेरे पास रोजगार है, मैं दूसरों की चिंता करो, ये दूसरा है कौन? समाजवादी पार्टी में जितने अच्छे कार्य किए उसका क्रेडिट ले गया योगी। इस लड़के को यूं करा अभी उड़ा दूंगा, क्या ये आतंकवाद है? कि अब्बू ढाबी में जो मंदिर बना है वो धर्म की राजनीति है। अरे धर्म की राजनीति ये लोग क्या बताएंगे, जिन्होंने हमेशा हर एक धर्म को बांटने का काम किया, जातियों में जाति को बांटने का काम किया, केवल हिंदू और मुसलमान की राजनीति करने का काम किया। किसको बांटा है? वोट व्यवस्था का नाम सुना आपने? किसका वोट व्यवस्था? किसने बांटी जाती? अरे भैया जाती तुम कह रहे हो, बताता हूँ, इन्हें नहीं पता क्यों बांटी है। ये कार्य को यानी श्रम कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए ये काम बांटा गया था। कोई ये नहीं था कि एक जाति से अगर उसे जो अच्छा लगता था वो उसमें आ जा सकता था। अब इन श्रीमान जी को तो पता है नहीं। अच्छा, मुझे चीज बताइए, जाट किस उसमें आते हैं? जैसे वोट व्यवस्था है ना, वैश्य जी, ब्राह्मण जी, और शूद्र हुए, क्षत्रिय हुए, जाट किसमें आते हैं? जाट में अगर आज कल देखा जाता है तो जाट जो है क्षत्रिय व्यवस्था, क्षत्रिय व्यवस्था। अरे सुनो, तुमको नहीं पता, ABCD नहीं जानते, क्षत्रिय व्यवस्था में जानते हैं, क्षत्रिय व्यवस्था में आते हैं, क्योंकि जो लड़ने का काम जो करता था शिक्षा क्षत्रिय बन गए। अरे अभी के अगर पुराने में सुनो मेरी बात, आप सुनो एक मिनट, अरे इन्हें बताओ, सुनिए ये तो अगले, अरे यार मेरी सुनो, अभी करो, अभी ना बताओ, अरे मेरी बात सुनो, जब अखिलेश यादव, अरे मेरी बात सुनो, जब अखिलेश यादव अपने जो बंगला है उनका जो मुख्यमंत्री आवास का उन्होंने छोड़ा था तो उन्हें गंगा जल से धोया था। क्यों धोया था? इसलिए धोया था कि उन्होंने इतने पाप किए थे, इतना भ्रष्टाचार किया था, उनके पिता ने हत्याएं, हजारों लोगों की हत्याएं करवाई। और सुनो, और जो मंदिर है काशी का उसमें पूजा करने से जो का रोका गया, इसलिए उस दुष्ट आत्मा उसकी जो है का दुष्टता उसकी प्रकट हो रही थी, उसने इतने पापों को मतलब एक तरह के जो इतने पाप किए हैं उन पापों को सुरक्षित करने के लिए, ये सब सबको पता है, बताया अखिलेश। देखो मुलायम सिंह ने पाप किए, उसने सुनो, इंसान चुनो जिसने पाप ना किया और वो पापी ना हो। अभी कौन तुम हो गए, हत्या तुम करते हो गए, तुमने हत्या करी होंगी क्योंकि मुलायम सिंह ने हत्या करी थी, उसने हत्या करवाई थी और इसमें 270 लोगों की हत्याएं अपने आदेश से करवाई थी, खून से लाल हो गई थी सरयू नदी। ये उसकी अभी ने पूछो श्रीमान जी को, क्या तुमने भाई किसानों के साथ है? कोई नहीं कर रही, वो किसान है ही ना, किसान तो हमें, किसान तो हम हैं, वो किसान नहीं है, जो जिनका बिहेव ये है वो जो है वो सुनो सुनो, ये समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, उन्होंने गुंडातन। दो मिनट में मैं बोल लूं, समाजवादी पार्टी में जितने अच्छे कार्य किए उसका क्रेडिट ले गया योगी। कैसे ले गया? एम्बुलेंस सिस्टम, औरत मर जाती थी एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे, आज दो घंटे से एक घंटे में यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पर कौन ले गया? बीजेपी ले गई। एम्बुलेंस, लैपटॉप, मेडिकल सुविधा, सब अखिलेश यादव की देन है। सुनो एक मिनट, इन्हें पूछो कौन सा एक्सप्रेस वे बनवाया, एक एक्सप्रेस वे के अलावा और दूसरा कोई बनाया हो तो बताइए। और सुनो इनका सुनो और सुनो, गुंडागर्दी, गुंडागर्दी में हजारों लोगों की हत्या करवाना इनका काम था। और सुनो मुख्तार अंसारी, मुख्तार अंसारी जिसने सुनो गुंडागर्दी करता था और सैकड़ों लोगों की हत्या कराता था, उसके जहाँ अभी शेयर मार्केट की बात हो रही थी, ऐसा कौन सा बिजनेस है जहां 10 का शेयर और 4,000 पहुंच जाएगा? मुझे बताइए, जहां पर लोग बोलते हैं कि हम हमारी जो इकोनॉमी बढ़ गई है, हम गायत्री प्रजापति को जानते हो? लिसन टू मी, जस्ट गायत्री, जस्ट गिव मी चांस, हमारे, अरे मेरी बात सुनो, ये जो 2 मिनट, अरे 2 मिनट तो बोलने दो यार, पूछा ना कौन सा, अरे 2 मिनट बोलने दो, देखो अरे डकैती करने से इन्हें वो नहीं मिला ना, अब यहाँ इनकी डकैती काम नहीं चल रही, इन यादव परिवार की डकैती अब जो है कर रुक गई है, लूट लूट सुनो लूट खसोट मचाते हैं। 2 मिनट देखो, हमारे देश का कितना विकास हुआ कितना नहीं हुआ हम करेंगे आकलन किससे? गांव में जो लोग रह रहे हैं, हमारी इकोनॉमी चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी हो जाए, हम भूखे मरे, रोजगार नहीं है, हमें क्या करना है इकोनॉमी से? हमें शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, आपके पास रोजगार नहीं? अरे मेरे पास रोजगार है और लोग हैं, सुनो बात सही है, और क्या गवर्नमेंट 1-47 हाथ में देगी इनकी,
ये कह रहे मेरे पास रोजगार है, मैं दूसरों की चिंता करो, ये दूसरा है कौन पूछे तो सही। ये काम करके नहीं है, दो घंटे यही घूम रहे और दो घंटे से यही घूम रही है, माइक पर बोल रहे कोई काम नहीं है। दिस इज अ पेड़ वर्कर जातिवादी सभी भी मानसिकता के लोग हैं, जाति इन्हें जाति चाहिए। सुनो ये कैसे लोग हैं, अभी सुनो, ये यादव प्रधानमंत्री बना रहा था, अखिलेश का प्रधानमंत्री बना, मैंने पूछा कि नौकरी नहीं मिली, मैंने इंडिया की तैयारी करी, मैंने पत्रकार मेरी बात सुनो, देश की सेवा के लिए बोल, झूठ क्यों बोल रहा है, देश की सेवा, ये देखो ये देश की सेवा करेंगे ऐसे लोग जो यहाँ नफरत की दीवार खड़ी करेंगे, ये देश की सेवा करेंगे। मैं एक पत्रकार हूँ, मेरा चैनल आप विजिट कर लीजिए, जहाँ जनता की बात होगी वो बात होगी, वो चीज चाटुकार है, चाटुकार पत्रकार ऐसे नहीं होते, पत्रकार ऐसे होते जैसे ये भाई खड़ा, ये चाटुकार है, अगर पत्रकार है एक नंबर का जातिवादी। सुनो ये कह रहे हैं, मैंने पूछा कि तुझे नौकरी चाहिए, वो यादव ही था अखिलेश को प्राइम मिनिस्टर, मैंने कहा 312 में 3 से भाग दिया तो कितना आया मुझे नहीं पता, मैंने कहा 0.2 की बना, 0.2 में करी तो क्या आया, ये सुनो ना, आप फड़े लेके आओ, खत्म कर रहे, देखिए ये कह रहे पत्रकार है, पत्रकार और चाटुकार में बहुत बड़ा अंतर होता है, ये चाटुकार ऐसे होते हैं जिनको विकास का पैमाना दिखता नहीं है और अपनी आंखों पे काली पट्टी बांध के रहते हैं, और ये जो रोजगार की बात कर रहे वो विपक्ष में बैठे नेताओं के रोजगार की बात कर रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिलने वाला। मैं ना पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, इन बदमाश जो एक अखिलेश है उसने 5 साल में 500 रुपए का भी काम नहीं किया, और कुछ भी ऐसा टूटी हुई सड़कें थी, गुंडागर्दी मचाते हैं ये वही समाजवाद के नाम पर लूटतंत्र, 100-100 करोड़ रुपया ये नचकियाओं में लगाते थे, ये देश का जनता का धन इन्होंने गुंडागर्दी में और नाचने हर बार महोत्सव मनाते थे, मना लो ना, जनता के धन से उस गरीब जनता के धन से महोत्सव सैफई महोत्सव मनाते थे, अब मना के दिखाओ ना, अरे 100-100 करोड़ रुपया गरीब जनता का पैसा तुम खर्च करते थे जो समाजवाद के नाम पर, बेईमानो क्या कह रहे हो, अरे यार बात कर, देखो क्या कह रहा है, रहा अभी उड़ा दूंगा, देखो दिखाओ इसको, ये बदलवा रहे, आतंकवादी करते हैं समाजवादी, क्या बोला, देखो इस लड़के को यूं करा अभी उड़ा दूंगा, क्या ये आतंकवाद है, देखो क्या धमकी दे रहा, ये देखो जो समाजवाद कर यादव के नाम पर क्या विकास किया, गुंडो और यादव के नाम पर आ रहा है, यहाँ जो शर्मानी चाहिए ऐसे जैसे गुंडे यादव यहाँ भरे पड़े हैं, जो पत्रकार है भाई, कोई पत्रकार नहीं है, ये एजेंडा धारी है, और ये एजेंडा धारी है उसका अखिलेश, जो रिश्वत खोर दलाली करता था, ये अखिलेश की दलाली करने वाला है, जो पैसा नौकरी लगवाने पे टेंडर छोड़वाने पे, ऐसा शब्द नहीं सुनेंगे पत्रकार, दलाल है, मैं कह रहा हूँ ये पत्रकार नहीं हो सकता, ये दलाल है पक्का 100%। ये भैया दलाल है, ये कोई भी पत्रकार ऐसे नहीं कह सकता, मतलब अखिलेश ने कोई तरक्की नहीं की, हम यूपी के रहने वाले हैं।